ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। सृष्टि बनाने के बाद उनका मन हुआ एक बार बनाई सृष्टि को देख लिया जाए। ब्रह्मा जी घूमने निकले, सारी सृष्टि को देखने निकले, चारों तरफ देखा, एक मौन सन्नाटा उनको दिखाया। ब्रह्मा जी सोचने लगे, सृष्टि तो बनी लेकिन मौन, क्या किया जाए। उन्होंने अपने कमंडल में से जल निकाला और चारों तरफ छिड़क दिया। कहते हैं वो जो जल छिड़का था उनके जल कणों से वनस्पति के अंदर से, पेड़ पौधों के अंदर से एक देवी प्रकट हुई। उस देवी के चार हाथ थे, दो हाथ में वीणा थी, एक में माला थी और एक में पुस्तक थी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए आप वीणा का वादन करें। देवी सरस्वती ने वीणा को बजाना शुरू किया और कहते हैं उस वीणा के बजाने के बाद ही इस सृष्टि में वाणी का संचार हुआ। ज्ञान विज्ञान संगीत की एक विधाएं जब प्रकट हुई तब वसंत ने अपना उत्साह प्रकट किया। हमारे मिशन के, हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, उनका आज आध्यात्मिक जन्मदिन है। आज के दिन गुरुदेव जब 15 साल के थे उनकी साधना स्थली में प्रकाश रूप में गुरुदेव आए, उनके साथ साक्षात्कार हुआ जो आत्मीयता का तारतम्य जुड़ा। वो केवल वाणी तक, मार्गदर्शन तक नहीं, वो समर्पण तक जाकर रहा। दादा गुरु ने गुरुदेव को जो जो निर्देश दिए, गुरुदेव ने उन निर्देशों के पीछे मुड़ के नहीं देखा क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या नहीं आई। जो गुरुदेव ने कहा वो अक्षर से पालन किया। पहले ही मुलाकात में गुरुदेव ने गुरुदेव को मार्गदर्शन दिया और आदेश दिया, जीवन की उच्च स्तरीय परिपक्वता के लिए साधना जरूरी है, इसलिए 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुष किए जाएं और साथ में उनके साथ तपस्वियों जैसी आहार विहार की कठोरता पालन की जाए। गुरुदेव मात्र 15 साल के थे। जब घर के लोगों ने ये संकल्प सुना कि दादा गुरु ने आदेश दिया है 24-24 लक्ष्य के महापुरुष किया जाए, साथ में तपस्वियों जैसी तपश्चर्या के लिए आहार विहार का संयम किया जाए, जो कि रोटी और छाछ पर घर वाले सब हैरान हो गए। लोगों ने प्यार से समझाया, बेटा अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, हम खाएंगे तुम नहीं खाओगे तो कैसा लगेगा। गुरुदेव ने कहा मेरे गुरु का आदेश है, मुझे पालन करना है। कुछ लोगों ने देखा प्यार से नहीं मान रहे हैं तो फिर कटु शब्दों में गुरुदेव की आलोचना करना शुरू की, किसी ने मजाक उड़ाना शुरू किया, लेकिन गुरुदेव मौन बने रहे। गांधी जी के 3 गुरुओं में से एक को अपना मार्गदर्शक बना लिया। उन्होंने सोच लिया न मुझे किसी से कुछ मार्गदर्शन लेना है, न सोचना है, न बोलना है, न पूछना है, मौन के आगे सब चुप। आखिर लोगों ने बात आई गई कर दी, गुरुदेव अपने संकल्पों पर दृढ़ बने रहे। गुरुदेव ने ही एक जगह लिखा, अगर मेरे संकल्पों में दृढ़ता न होती और गुरु निष्ठा मेरी प्रबल न रही होती तब मेरी संकल्पों की बागडोर ये नैया 2-4 झकझोरे खाने के बाद कतार पता नहीं मजदार में कहाँ डूब गई होती। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।